4500 कुरान एक जगह पे जल जाना है, आप समझ रहे हैं कितनी दुख, कितना पीड़ा, कितना गुस्सा है हमारे अंदर। इन दंगाइयों ने, इन भगवा आतंकियों ने कुरान जला दिया हमारा, ये हमारा पाक किताब जिसके लिए दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान नाम पे कुर्बान है, कुरान जल जाता है और सरकार को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को शर्म नहीं आती। घर टूट गए, बन जाएंगे, दुकानें लूट गई, मिल जाएंगी, लेकिन ये कुरान जो जलाया है, ये सीनों में जो हमारे दर्द चुभा के गए हैं सर, ये इतनी आसानी से नहीं जा, सब याद रखा जाए। जिम्मेदार किसको मानते? जिम्मेदार हर वो लोग हैं जो इस्लाम के दुश्मन बने बैठे हैं, जिम्मेदार वो लोग हैं जो मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, जिम्मेदार तेजस्वी यादव भी हैं, जिम्मेदार नीतीश कुमार भी हैं, जिम्मेदार अमित शाह भी हैं, जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी भी हैं। नालंदा में एक मुसलमान का यहाँ से शोरूम लूट लिया जाता है, क्यों? मुसलमान था उसका ओनर, इसलिए 5 करोड़ का आप माल लूट के ले गए। ये सारे सरकारी गुटखाखोर बेरोजगार भक्त, इनको पहली बार मौका मिला तो सारा मोबाइल लैपटॉप लूट के ले गए। और नागपुर से अगर आए तो नागपुर तक आवाज़ पहुंचा दीजिए, कान खोल करके सुन लीजिए। सासाराम में सर मुसलमान की बस्ती जला दी जाती है, गरीब मुसलमान रो के कह रहा है कि हमारे सामने पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने हाथ पे हाथ धरे रह गई और बस्तियां जला के चले गए लुटेरे ये आतंकी। कैसी शोभा यात्रा, जिस यात्रा में अशोभनीय काम हो, जिस यात्रा में हथियार लहराए जाएं, रिवॉल्वर लाया जाए, पेट्रोल बम लाया जाए, पत्थर गंडा से त्रिशूल लाया जाए, दुकानों की लूटपाट की जाए, मस्जिदों और मदरसों को जला दिया जाए, गंदे गंदे यहाँ से नारे, गंदी गंदी गालियाँ जो है यहाँ से डीजे बजा के दी जाए, आप उसमें शोभा कहाँ रही? ये अशोभनीय हो गया है। माफ़ कीजिएगा, मैं किसी आस्था का, इसमें किसी को ठेस पहुँचाने का हमारा इरादा नहीं है, लेकिन ये जो संघी पालतू कुत्ते हैं ना, ये जो मगरमच्छ हैं, ये जो कीड़े हैं, इन्होंने जो है अपने धर्म को बदनाम कर दिया। देख, लोग तो कह रहे हैं कि आप जो भी हिंदुस्तान में जो हिंदू जो है शोभा यात्रा भी नहीं करेंगे, मतलब आपसे पूछ के कहीं जाएंगे नहीं, यही कहना चाह रहे हैं, अपना त्यौहार भी नहीं सेलिब्रेट करेंगे? नहीं तो त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे तो हमारी मस्जिदें जला देंगे आप, त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे तो आप हमारे मदरसे में जा करके 4500 कुरान जल जाता है सर, शर्म आती है? ये कौन बदनाम कर रहा है? पत्थरबाजी पहले किसने की? एक कुरान कहीं डेनमार्क या यहाँ से स्वीडन में जलता है तो पूरे दुनिया में कोहराम मच जाता है सर। 4500 कुरान एक जगह पे जल जाना है, आप समझ रहे हैं कितनी दुख, कितना पीड़ा, कितना गुस्सा है हमारे अंदर। कौन इसको कंपनसेट करेगा? खुदा का गजब गजब ढाएगा, कहर नाजिल होगा। क्या समझते हैं आप? तमाशा है ये, छोड़िए सारी बातें, कुरान जला दिया सर आपने। इन दंगाइयों ने, इन भगवा आतंकियों ने कुरान जला दिया हमारा, ये हमारा पाक किताब जिसके लिए दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान यहाँ से उस पे नाम पे कुर्बान है, कुरान जल जाता है और सरकार को, सत्ता में बैठे हुए लोगों को शर्म नहीं आती, इन संस्थाओं, इन आतंकियों को शर्म नहीं आती। माफी मांगना चाहिए। कौन कंपनसेट करेगा सर? घर टूट गए, बन जाएंगे, दुकानें लूट गई, मिल जाएंगी, लेकिन ये कुरान जो जलाया है, ये सीनों में जो हमारे दर्द चुभा के गए हैं सर, ये इतनी आसानी से नहीं जा, सब याद रखा जाएगा। लेकिन सर, सब याद रखा जाएगा। आप जो कह रहे हैं ठीक है, आपको गुस्सा लाजिम है, लेकिन पथराव कहां तक सही है बताइए ना? कौन पत्थर फेंक रहा है? आप देखिए कौन ट्रकों में यहां से शोभा यात्रा में पत्थर लेकर के जा रहे हैं, भर भर के पूरे यहां से प्रत्येक व्यक्ति, इसके यहां से वहां पे आई विटनेसेस हैं, पुलिस की रिपोर्ट है, पेट्रोल बम लेकर के आप आएंगे? ये जब तक कोई साजिश नहीं होती, कोई प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है, ये कॉन्स्पिरेसी है। देश का गृह मंत्री यहां से बिहार जाता और कहता है कि यहां से हम, यहां सरकार हमारी बना दो, ठीक कर देंगे, और ठीक उससे पहले दंगा हो जाता है। जिम्मेदार किसको मानते हैं? बिहार में सरकार तो गठबंधन की सरकार है। जिम्मेदार सब हैं, जिम्मेदार हर वो लोग हैं जो इस्लाम के दुश्मन बने बैठे हैं, जिम्मेदार वो लोग हैं जो मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, जिम्मेदार तेजस्वी यादव भी हैं, जिम्मेदार नीतीश कुमार भी हैं, जिम्मेदार अमित शाह भी हैं, जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी भी हैं, और जिम्मेदार वो सारे यहाँ से हरामखोर संगठनों के यहाँ से पिल्ले हैं जो अपने धर्म के नाम पर आतंक मचा रहे हैं। कौन इनको यहाँ से छूट दे रहा है? मैं बता रहा हूँ एक बात, आप क्या समझते हैं? सरकार बदल दीजिए,
सेकुलर सरकार ले आइए, भाजपा की सरकार ले आइए, सरकारें बदल जाएगी, लेकिन सिस्टम में जो संघी घुस गए हैं उनको कौन बदलेगा सर? मानसिकता हो गई है, डरते हैं क्या हम? नहीं बोलेंगे, बात तो रहे कि हिंदू डर रहे हैं यहाँ पे। नहीं नहीं, शोभा यात्रा में आप ज्यादा उनकी चमचागिरी मत कीजिए, सुनिए, अगर सच सुनने की हिम्मत है ना आप में, सवाल कर दो, जिगरा नहीं, जिगरा नहीं, आप क्या यहाँ से नागपुर से आए क्या आप? सुनिए, नागपुर से अगर आए तो नागपुर तक आवाज पहुंचा दीजिए, कान खोल करके सुन लीजिए। सासाराम में सर मुसलमान की बस्ती जला दी जाती है, गरीब मुसलमान रो के कह रहा है कि हमारे सामने पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने हाथ पे हाथ धरे रह गई और बस्तियां जला के चले गए लुटेरे ये आतंकी, मैं इनको भगवा आतंकी कहता हूं, कर दो FIR हम पे। हाँ है, ये आतंक मचा रहे हैं धर्म के नाम पर, मजाक बना रखा है, ये है सिस्टम। सिस्टम में जब तक पलायन कर रहे हैं, आपको वो दिख नहीं रहा? कहाँ पलायन कर रहे हैं? नालंदा मान पलायन कर रहे हैं, मुसलमान पलायन कर रहे हैं, सासाराम में पलायन कर रहे हैं सर। नालंदा में एक मुसलमान का यहाँ से शोरूम लूट लिया जाता है, क्यों? मुसलमान था उसका ओनर, इसलिए 5 करोड़ का आप माल लूट के ले गए। ये सारे सरकारी गुटखाखोर बेरोजगार भक्त, इनको पहली बार मौका मिला तो सारा मोबाइल लैपटॉप लूट के ले गए। और कमाल की बात है, भाजपा का ही नेता था वो, भाजपा के समर्थक ले मुसलमान थे, कोई नहीं बचा सर। जब ये दंगाई लूटते हैं और आतंक मचाते हैं तो किसी को नहीं बख्शते। आज मैं पूछना चाहता हूँ, ये मामला तो अंतर्राष्ट्रीय है, एक स्वीडन और नॉर्वे में कुरान जल जाता है सर, पूरी दुनिया में कुरान मच जाता है, 4500 कुरान जल जाता है। और आप OIC के बयान पर विदेश मंत्रालय कह रहा है कि वो भारत विरोधी है, OIC जो है भारत विरोधी है, तो सऊदी अरब के साथ काहे तेल ले रहे हैं? भारत विरोधी है, तुर्की के साथ क्यों यहाँ से आपने कारोबारी रिश्ते रखे हैं? UAE में आपका अडानी और अंबानी का माल क्यों जाता है? ईरान में काहे पोर्ट बना रहे हैं आप? ये सब तो भारत, ये तो भारत विरोधी है। तो मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, दोगलापन है ये देश, ये मुल्क, दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन चुकी है। जब बांग्लादेश में कुछ होता है तो आप चूचू चूचू नहीं करते हैं, जब यहाँ से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ कुछ होता है तो आप चूचू चूचू नहीं करते हैं, आप यहाँ हंगामा नहीं करते हैं, धोती उठा उठा के एंकर जो है यहाँ से चैनल पे हंगामा किए रहते हैं, देखते नहीं हैं? पापा की परी लोग जो है यहाँ से सुबह से शाम जो है रोना रोने शुरू कर देती हैं। तो जब इस देश में माइनॉरिटी पे हमला होगा, ये बात कुरान जलाना, ये सिर्फ भारत के 25 करोड़ मुसलमानों की बात नहीं है, बल्कि दुनिया के 200 करोड़ लोगों की आस्था है सर। लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि, लेकिन कोई मुस्लिम नेता सामने कहाँ रहा है? जो है असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे तो नीतीश कुमार जो है तमाम आरोप लगा रहे हैं, आपने देखा होगा उनका इंटरव्यू भी। बहुत शर्मनाक बात है, मैंने देखा है नालंदा में यहाँ से कुरान पूरी पूरी मस्जिद जला दी, पूरी इमाम पूरे जो है मदरसे जला दिए, लूट हो गई, हत्या हो गई, तमाम यहाँ से गरीब मुसलमान तो इस बात से डरा है कि यहाँ से कि झोगड़ी उसकी झोपड़ी झुग्गी सारी जला दी आपने, दुकानें यहाँ से चुन चुन के जला दिए, अमीर आदमी का शोरूम लूट लिया। नीतीश कुमार तो कह रहे कुछ हुआ ही नहीं है, सब ठीक है, नॉर्मल है। हाँ जी ठीक है, सब ठीक है ना, है बहुत बढ़िया है, शर्म आनी चाहिए, बहुत बढ़िया नहीं है, आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, खाबे देखते रह जाएंगे। अवतारी तो कर रहे हैं ना आप लोग साथ? हाँ, यही तो टोपी पहना रहे हैं मुसलमानों को, 70 साल से जो टोपी पहना रहे हैं, टोपी पहनाने का काम अब भी जारी है। बद्दुआ है हमारी ऐसे लोगों पर, कौन भी बद्दुआ कर रहा है, तुम प्रधानमंत्री नहीं बन पाओगे कभी अगर ये रवैया रहा। मुख्यमंत्री होने के नाते आपको एक सख्त स्टेटमेंट देना चाहिए था, कब चलेगा इन दंगाइयों पे बुलडोजर? बिहार सरकार के पास पेट्रोल की कमी हो गई है क्या? बुलडोजर का तेल खत्म हो गया तो मुसलमान चंदा करके यहाँ से बुलडोजर खरीदेगा और चला देगा उन दंगाइयों के घर पे, मंजूर होगा आपको? कब जलेगा इन बुलडोजर इन दंगाइयों के घर पे? डर गए क्या आप? वोट चला जाएगा आपका, पूछिए जरा बिहार के मुख्यमंत्री से। कह रहे हैं कि गिरफ्तारी हो रही है दोनों तरफ के लोग जो हिंसा में संलिप्त थे, उन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। तमाशा बना दिया सर, अगर इस देश में कभी रामचरितमानस कोई दलित जला देता है, कोई यहाँ से मनुस्मृति जला देता है, तो पूरे दुनिया और देश के लोग यहाँ से खड़े हो जाते हैं। हम लोग भी इस बात को कंडेम करते हैं कि मजहबी किताबों का अनादर। आज कुरान जल गया सर, कौन खड़ा है हमारे साथ? मजाक उड़ा रहे हैं? भाजपा का एजेंट खड़ा है आपके साथ, असदुद्दीन ओवैसी, नीतीश कुमार कह रहे हैं भाजपा के एजेंट हैं। नीतीश तो कह ही रहे हैं ना भाजपा के एजेंट हैं। अगर मुसलमानों के हक की आवाज़ उठाना भाजपा का एजेंट है तो होने चाहिए, ऐसे लाखों करोड़ों भाजपा के ऐसे एजेंट होने चाहिए। अगर हक की आवाज़ उठाना है, गलत को गलत नहीं बोलेंगे, ईमान का यही दर्जा है, गलत को गलत नहीं बोलेंगे। आप मुनाफिकत करेंगे, जो मुनाफिक हैं वो नहीं बोलते हैं, किस बात से डरते हैं?
अरे जवाब तुम्हें जनता को नहीं है, कल क़यामत के रोज़ अल्लाह को भी देना पड़ेगा कि जब तुम्हारे कुरान जलाए जा रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे। ये कहानी ये कोई नई नहीं है, ये परंपरा दिल्ली दंगों में जब शिव विहार नाले के बगल में जो मस्जिद है वहाँ भी जब कुरान जलाया गया था सर, मैं अपने हाथों से उठा के उन जली हुए कुरान के पन्नों को लेकर गया और वो पूछ रही हैं आज भी वो कुरान के पन्ने मेरे घर पे रखे हैं और जब भी मैं जो देखता हूँ तो मेरे सीने में जो है दर्द तारी हो जाता है और वो पूछ रही हैं कि क्या इस देश में मुसलमान होना गुनाह है, इस देश में यहाँ से कुरान के मानने वाले यहाँ से गुनाहगार हैं, क्या नफ़रत है कुरान से, क्या नफ़रत है इस्लाम से, कौन कर रहा है ये। तो अपने मज़हब को बदनाम करने वाले यही लोग हैं।